चेक कर लो भाई, निहायत ही खूबसूरत भाई। बरसर की रेसिपी है, कोई मजाक थोड़ी भैया। ये हमारे हिंदुस्तान के वो बड़े शेफ हैं जिनकी रेसिपी मैंने ट्राई की है फ्राई करने का है। इज्जत आप चेक करके बताओ टेस्ट कैसा है यार। क्विकली क्विकली और कितने पोटे ए देखो ए गोल मोटोल जिया पोटा ए थे आ हेलो जी नमस्ते सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आज हम बना रहे हैं भाई विलेज स्टाइल देसी चिकन करी भाई, अपने बरसर की रेसिपी है जो कि बहुत ही मशहूर भाई शेफ है हमारे इंडिया के। हाँ आपको मालूम है ना। तो जी हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जी शेफ स्पेशल सीरीज भाई। हम इंडिया के जितने बड़े बड़े शेफ हैं उनकी जो रेसिपीज है भाई नॉन वेज की हो वेज की हो भाई, अब वो टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे भाई हमें कैसा लगा। भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई हर एक के हाथ का ना शेफ अलग होता है भाई, क्या मालूम उनकी रेसिपी जो है उनके हाथ से अच्छी बनती हो और हमसे न बने, वो इसके लिए रियली सॉरी। बट तो जब करना गया भाई, ये जो हमने चिकन ले लिया है ठीक है जी भाई, ये चिकन है जी 1.5 किलो है, ज़्यादा नहीं है 1.5 किलो है। अब करना क्या है इसमें भाई, इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच भाई हल्दी। तो जी इसे मिक्स मुक्स करेंगे अच्छे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया है, तो इसे आप 10 मिनट के लिए भाई रेस्ट पर रख दो साइड पर। तो जी 10 मिनट हो गए जी, अब करना क्या है भाई, डाल दो पानी और दोबारा से इसे भाई वॉश करो। वैसे बताना चाहता हूँ कि चिकन पहले से मैंने वॉश करके रखा हुआ था यार, ये मैं दूसरी बार दोबारा कर रहा हूँ हल्दी डाल के यार, अपने बरस वाले स्टाइल है ना। तो जी डाल दो इसमें यार। तो जी वॉश कुछ हो गया, तो करते हैं जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से भाई हांडी लगा दीजिए, इसमें डालते हैं जी तेल भाई, मस्टर्ड का तेल है जी। तो जी इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट तो कर लो। तो जी तेल ठीक गर्म हो चुका है, अब करना क्या भाई, आपको चिकन फ्राई करने का है ठीक है जी। सारे का सारा चिकन मैंने मिला दिया जी, अब करना क्या, करना कुछ नहीं है, आपने इसे केवल 2 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई फ्राई करने का है। तो जी थोड़ा नमक भी डाल के रख दो आप। तो जी कर दो फिर से मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी चिकन मैंने निकाल लिया, तो इसे थोड़ा ठंडे होने का वेट कर लो आप यार। तो जी छिड़को जी भाई इसमें 1 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मैरिनेशन हो गई है, तो कर दो जी इसे साइड पे आओ। तो डाल दो जी भाई 2 तेज पत्तास, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची भाई, 3 कर दो 1.5 किलो मुर्गा है भाई, 3-4 ड्राई लाल मिर्चा भाई, ये खूबसूरत सी चक्रफूल हाँ भाई, 4-5 लौंग और ठीक है और 20-25 भाई काली मिर्चा भाई डाल दो, अलॉन्ग विद 1.5 चम्मच भाई जीरा। तो जी भून लो। तो जी प्यारी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो डाल दो जी भाई इसमें प्याज भाई, प्याज इस तरह से मोटे मोटे काटे हुए हैं भाई, ओनली 1/2 kg। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी 2 मिनट हो गए जिसको पकते जी हाई फ्लेम पे, तो भाई डाल दो जी भाई इसमें भाई लहसुन ठीक है हाँ, और कितना है 2 टेबल स्पून का। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स। तो जी इसे आप पिंकिश पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश होने तक भाई पका लो। तो जी प्याज अपने हल्के हल्के पिंकिश पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश हो गए हैं भाई, देखो है सुंदरता या नहीं है। अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम थोड़ी लो कर लो। तो डाल दो जी भाई इसमें 1 चम्मच भाई हल्दी, यानी कि हेल्दी भाई, हवा बहुत चल रही है यार भाई, ये देख रही क्या है भाई, ये जी स्पाइसी मिर्च ठीक है जी, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है भाई, डाल दो भाई कितना 1.5 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स और इसे 2 मिनट पका लो आप। तो जी 1-2 मिनट हुआ जी इसको पकते हुए भाई, ये देख रही क्या, अदरक और हरी मिर्चा भाई डाल दो भाई, अदरक कितना ही है 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चा जितनी मर्जी खाओ। तो जी पका लो उसको अच्छे से और दोबारा से। तो जी अब हम डालेंगे जी इसमें भाई टमाटर भाई ठीक है जी भाई, 3-4 टमाटर हैं जी इस तरह काटे हुए हाँ मोटे मोटे हाँ, डाल दो भाई स्वाद अनुसार नमक भाई, ध्यान रखे कि नमक हमने पहले मिलाया जी चिकन में भी भाई, 2 चम्मच भाई धनिया का पाउडर। ये मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, अब करना क्या है भाई, ढक्कन बंद कर दो, गैस का फ्लेम लो कर दो और छोड़ दो जी इसको 10 से 12 मिनट के लिए। तो दोस्तों भाई 10 12 मिनट हो गए, चक लो ओ भाई देखो तेल ऊपर आ चुका है, और जो टमाटर है ना भाई इनको मैश कर दो चंगे से, मैश कर दो इनको। तो जी टमाटर भी अपने मैश हो गए, देखो भाई क्या रंगत आई है, क्या सुंदरता आई है, देखो यार है। करना क्या है भाई, डालो 2 चम्मच भाई गरम मसाले का पाउडर भाई, चिकन मसाले का पाउडर ठीक है जी भाई, कितना भाई 3 चम्मच है जी हाँ, और मैं नॉन स्पॉन्सर्ड भाई, मैंने इसे कैच वालों का यूज़ किया जी हाँ, नॉन स्पॉन्सर्ड है, पैसे नहीं दिए। तो जी पकाओ उसे 2 से 3 मिनट और। तो जी 2-3 मिनट और गए जी इसे पकते हुए, अब करना क्या भाई, डाल दो चिकन सारे का सारा बा इज्जत। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से, मिक्स मुक्स हो गया जी। तो जी अब करना क्या भाई, डाल दो जी भाई इस पर थोड़ा गर्म पानी भाई, अपने करी के हिसाब से भाई, जितनी करी आपको खानी होगी ना उसी हिसाब से डालना भाई है। छिड़को ऊपर थोड़ा धनिया, तो कर दो फिर मिक्स मुक्स। तो जी हल्की फुल्की उबाल आने से भाई पका लो इसे। तो जी हल्की फुल्की उबाल आना स्टार्ट हो गई है जी, अब करना क्या, करना कुछ खास नहीं है, आपने भाई इस पर ढक्कन रख लो भाई, गैस का फ्लेम लो कर लो भाई 15 से 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों भाई भी नहीं पूरे 25 मिनट गए, चेक कर लो। ओ भाई ये स्थिति है, क्या स्थिति है जी, ये स्थिति है। अब मुद्दा ये है कि गला है या नो गला है, ओए तो गल गया यार, शक्ल देखकर पता लग रहा है गल गया हुआ, देखो यार हाँ। तो जब करना क्या, तो जी छिड़को जी भी धनिया भर भर के दोबारा से, और कर दो से फिर मिक्स मुक्स चंगे से। तो इसे हाई फ्लेम पे ना भाई 2 मिनट के लिए उबलने दो यार। तो दोस्तों भाई 2 मिनट हो गए जी और पकते हुए भाई, दोस्तों बन के तैयार जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बन के तैयार हो गई जी अपनी भाई बरसर की बनी भाई चिकन की रेसिपी भाई, देखो यार।
भाई बताओ दिखने में आपको लग कैसे रहा है भाई, खूबसूरती है या नहीं है? भाई निहायत ही खूबसूरत है भाई, निहायत ही खूबसूरत। हाँ भाई बर्सर की रेसिपी है, कोई मजाक थोड़ी है भैया। भाई ग्रेवी देखो, ग्रेवी चेकआउट करो आप यार। भाई प्याज लग रहा है, प्याज डाले हुए हैं देखो, कितने गुल मिल गए हुए हैं देखो देखो। हाँ भाई बिना बहस किए, कोई बिना गपशप मारे भाई, चलो डालो जी इसको अपने प्लेट में भैया। हाँ भाई आ जा भाई, आ जा, अरे आ जा। ओ आ भाई एक पोटा भी है साढ़े को, कितने पोटे ए देखो, ए गोल मोटोल जिया पोटा आया थे आ भाई, बरसा ने पोटा डाला ही नहीं हमने ला डाला। तो ये मुद्दा ये है कि जो इसकी ग्रेवी देखो यार भाई, बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। तो ये मुद्दा इसकी ग्रेवी का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आ भाई भाई जबरानजा, भाई जबरानजा क्या ग्रेवी है, क्या धमाका ग्रेवी है यार। मैं आपको रियली एक फैक्ट बता रहा हूँ भाई, सच में नहीं मालूम पड़ रहा है, टमाटरों का प्याज का कोई आइडिया नहीं हो रहा भाई इसमें क्या डाला हुआ है भाई, वो इतने मिक्सअप हो गए हुए हैं भाई। ऑल क्रेडिट गोज टू भाई अपने भर सर, भाई लाजवाब रेसिपी है सर, यू आई लव यू यार, आई लव यू। ओह भाई क्रीमी क्रीमी टेस्ट है ग्रेवी में, एकदम क्रीमी क्रीमी टेस्ट, कितना बैलेंस्ड है यार, कितना बैलेंस्ड रेसिपी है और कितनी ही स्वादिष्ट रेसिपी है यार। ठीक है भाई ये फैक्ट दे रहा हूँ जी आपसे भाई, फैक्ट। तो जी अब मुद्दा है इसके लेग पीस का, पहले ना मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा, ये देखो हाँ है खूबसूरत या नहीं, गोया बंद आप इस खाते कैसे लगाओ, लगा के आ भाई ओए ओए भाई वाह भाई, बर्तन गलत नहीं कहा भाई, नमकीना नमकीनापन पूरा भीतर गया भीतर। हाँ भाई टेस्ट रहा, बहुत टेस्टी है। हाँ भाई भाई स्वाद है यार। तो जी मुद्दा है ये निक्का निक्का जिया गोल मटोल जिया पोटा, भाई पोटा देखो कितना निक्का जी है, कितना फुटबॉल जी है भाई, पोटा फेंक ला भाई, वाह यार क्या टेस्ट आया पोटे में यार। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे बगल में ये प्लेट खाली किसका पड़ा हुआ है, भाई एक अपने भाई हैं हाँ, आज वो भी टेस्ट करेंगे मेरे साथ में बैठ के, अब मैं उनको बुला के एंट्री कराता हूँ। तो जी ये मेरे बड़े भाई हैं जी, ठीक है जी भाई, ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जी हाँ, तो इनको भी आज हम टेस्ट कराएंगे जी, ये किसी काम से मेरे घर पे आए थे, मैं चलो भाई इनको भी आज खिलाएंगे बरसर की रेसिपी। तो आ आ भैया ओए ओए धमाके आओ जी, भैया आप चेक करके बताओ कि टेस्ट कैसा है यार, क्विकली क्विकली सही से बताना, झूठ नहीं बताना प्लीज यार हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छा ग्रेवी का, ग्रेवी खाओ ना, ग्रेवी खाओ ना, ग्रेवी दिखाओ, मेन तो ग्रेवी रहती है ना यार, ग्रेवी खाओ, मैं भी खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है भाई। हाँ ग्रेवी में क्या फील आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शेफ हैं जिनकी रेसिपी मैंने आज ट्राई की है, बहुत धमाका रेसिपी है यार, बहुत धमाका रेसिपी है, रेडी। अरे भैया लेग पीस खाओ, चखो चक लो ऐसे ग्रेवी के साथ लगा के खाओ ना इसको यार, जैसे मैं खाता है। ठीक भाई बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई भी मेरे सब्सक्राइबर ही हैं यार, जो मुझे देखते रहते हैं। अब भाई बताओ टेस्ट, मैं खा लिया, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, कैसा नहीं सही बताना, सही बताना, मतलब फील क्या, मतलब आप फील क्या कर रहे हो? ये बहुत अच्छा लग रहा, स्पाइसी है बिल्कुल नहीं, मतलब ज़्यादा मसालेदार तो नहीं लग रहा, नहीं ज़्यादा नहीं है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वाकई में यार बहुत टेस्टी है सच में। बरसर आप खुद देख लो यार, ग्रेवी की कंडीशन देख लो यार, क्या रंगत है हाँ सच में। अरे भैया का लेग पीस भी खाना खत्म हो गया भाई, लेग भैया का नहीं मुर्गे का लेग पीस यार, भैया एक हाउज लेग पीस एक हो रहा, हम भी लेके रखेगा एक लेग पीस हो रहा, ओके थे लेग आ भाई आए तो जी लेग लुक तो हो गया भाई, पोटा भी हो गया हाँ। तो जी अब मैं किंग को लेकर आता हूँ इज्जत से, अपने भाई के लिए भी और अपने लिए भी यार। तो जी किंग की एंट्री हो चुकी है, रघुबीर भैया ने स्टार्ट कर दिया भाई, देखो है खिला खिला या नो, भाई देखो दाना दाना एक समान है नहीं, तो आ भाई अब करी लेते करी
भैया करी है बस लो जी लो कर दो उसको मिक्स। अरे यार मैं क्या बताऊं आपसे यार, ये क्या ग्रेवी है यार, ये आज यार क्या बन के तैयार हुई है यार। भाई अपने इंडिया के शेफ भाई जिंदाबाद भाई, पहली बाइट भाई चसल तक ही किंग के लिए ही बना हुआ है। हाँ रुक वीरिया, आपने खाया किंग के साथ में? मैं चावल में, चावल किंग है। स्वाद कैसा आया? स्वाद फर्स्ट। ग्रेवी मिलाओ ना, ग्रेवी मिलाओ ना, अब ऐसा तो स्वाद आएगा फर्स्ट क्लास आ रहा है। हाँ कितना क्रीमी है ना भाई, रियली बर्सर लव यू अलॉट, बहुत प्यारी रेसिपी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो भाई आपको ढेर सारा प्यार सच में यार। भाई मैं ये कहता हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी है ये, सर्दियों के लिए बेस्ट। और मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि ये रेसिपी में मीट पे मतलब मटन पे, वो देसी मुर्गे पे भाई कहर आएगा कहर। मैं इसको देसी मुर्गे में 100% बनाऊंगा यार, ये प्रॉमिस आपसे यार। अरे भैया तो दोस्तों भाई ये थे अपने बर्सर की रेसिपी, बहुत स्वाद है खाने का। हाँ आप ये जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा और कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ जी भैया बाय 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 बाय।